यार मोहब्बत सब करते हैं भाई, उतना जान नहीं दे देना है कि आपको बाद में। तीन चार बात है बहुत अच्छे से बताएं, इनके बातों का फॉलो करें, आपको लाइफ बदल सकता है। क्योंकि छोटी छोटी गलती है आपको नौकरी से, इनकी टैटू था ना वो टैटू रिमूव कर दिया, तो उसे भी पॉइंट मिल रहा है। मेडिकल में अधिकतर लोग मतलब आईएएस जो है कलर विजन में है, नौकरी है लहरिया कट में कहा हमारे जो मेडिकल फिट है, घर के बगल वगल में किसी से झगड़ा वगैरह नहीं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार और मैं मौजूद हूं एंट्री गेट पे। मेरे पीछे जो युवा देख रहे हैं ये भाई अग्निवीर बनने जा रहा है और बहुत सारा का मेडिकल फिट है, और इनसे बात करेंगे कि तैयारी कैसी चल रही है और अंदर में कैसी प्रोसेस है, क्या रेशियो है मेडिकल फिट होने का। मेडिकल का कोई रेशियो नहीं है भाई, मैं ये बता रहा हूँ जो फिट है वो फिट है, ठीक है। और इनसे चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ में ज़्यादातर पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने देख के आए हैं। भाई लोग आप लोग मेडिकल देख के आ रही है? जी सर। कौन कौन क्वालिफाई है? साढ़े को कांग्रेचुलेशन है सभी को, सभी को ढेर सारा कांग्रेचुलेशन भाई, वेलकम भाई, क्योंकि नाम पूछेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। सभी को कांग्रेचुलेशन, आगामी बंदे आएंगे मेडिकल देने के लिए, थोड़ा सा उन्हें मोटिवेट करें, गाइड करें, बताएंगे कि मेहनत करके आए और कानून जो होता है साफ करवा के बढ़िया से लग रहा है। अच्छा, जो वहाँ से रूल्स दिया है ना सबको फॉलो करें। अच्छा, सबको फॉलो करें, सबको फॉलो करा। आप कितने बजे एंट्री लेते हैं यहाँ पे? यहाँ पर 3 बजे एंट्री ले लेते हैं। 3 बजे नहीं, 3:15 में। अच्छा, कौन सा ट्रेड से आप लोग हैं? ट्रेड मैन। अच्छा, बहुत जैसे फिजिकल में आप लोग देने गए वहाँ पे तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, तो फिर क्या अभी दे रहे हैं? टाइम दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं, जो जिसके पास नहीं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल सब रहना चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिल रहा है मेडिकल, क्या चीज में मतलब, अगर बाय द वे कोई बंदा अगर किसी का कान साफ नहीं है दांत वगैरह, तो उसके लिए टाइम भी दिया जा रहा है। अच्छा, टाइम भी दिया जा रहा है, मेडिकल में डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं किया जा रहा। हां सही बात बोले भाई, डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करेगा आपको, रिमेड किसी को नहीं किया जा रहा है। पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट सबको मिल रहा है, एमएच हमको भी मिला है। क्या चीज में मिला है? कान में मिला। आपको भाई? हम फिट हैं। फिट हैं, अरे वाह भाई, ब्रांच फिट, ब्रांच फिट, अरे वाह। जैसा आप लोग देख लें फिट है सर, चलिए कांग्रेचुलेशन, इसको ग्राउंड फिट भी बोलते हैं। यस। अच्छा, क्या तैयारी करके आप आए थे जो फिट हो गए? जी हम कान और दांत को अच्छे से सफाई किए थे और अच्छे से, मतलब मेरे पैर और में कोई दिक्कत नहीं था, हाथ में दिक्कत नहीं था, ठीक है। और मैं आज ग्राउंड फिट होकर आया, बहुत खुशी हो रही है मेरे को, बहुत खुशी हो रही है। आगामी कैंडिडेट जो तैयारी करेंगे उसे क्या करेंगे, मतलब अग्निवीर की ट्रेडमैन की क्या है? तो आप लोग मतलब मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है, मेडिकल तो आप समझ रहे हैं, मेडिकल में आप बचिए थोड़ा, तो मेडिकल में बच जा रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन कितने टच किए हैं आपने? मैंने तो 38% किया था, दो रंग है, 36% सही है जी। आप भाई कितने टच किए हैं? 46। आपके भाई 47 बनाए? आप भाई 41। आप भाई कितना बनाए? आप हमें 25-30 का बने लगे। कैसे होगा भाई? ग्राउंड पर साना पड़ेगा। क्या चीज में छोड़ दिया? काटा नहीं है सर, फिट बन गया। अच्छा, 25 ग्राउंड पर है, तो आप सोचने अगर मेरिट में है तो रोइएगा, अगली बार होगा तैयारी करके। आगामी कैंडिडेट के थोड़ा सा इधर आइए, अगर बताइए कैसे तैयारी करेंगे अब कैसे तैयारी कर लिए? अपना पढ़ के हाँ, बिना पढ़े ना वही ना, बिना पढ़े कैसे ना, बिना पढ़े कैसे? अच्छा चलिए, अच्छी बात है। हाँ क्या हो गया? ये काटे हैं ना वो। हाँ। अच्छा, ये जो दाग है क्यों काटे तब? प्यार और के चक्कर में, इसी के चक्कर में। और क्या, थोड़ा सा आने दीजिए भाई। और ये देखिए भाई, इनकी दाग है, ये ऐसे पत्ती चला, ब्लेड चलाए थे अपने। क्या कितना पॉइंट मिला है? यही की और कोई पॉइंट है नहीं? ये और एक हेयर शोल्डर। अच्छा, हेयर शोल्डर वो तो सही है, लेकिन ये वाला इसका भी हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा बोला। हाँ, दो पॉइंट मिला, एक पॉइंट दो। अच्छा, ये पॉइंट ये कैसे किए थे आपने, ये बताइए, जो ताकि अगले कैंडिडेट नहीं करेंगे इसे? तो अपने जीवन क्यों खराब कर रहे हैं? वो क्या साथ देने वाले हैं क्या? आज जीवन में तो साथ हो ही है भाई, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है। अरे भाई, इनके लिए ताली होना चाहिए भाई, अभी भी। अच्छा, अभी भी लाइन पे है, चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपको। हाँ, ये सब चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए। अगर यदि ये नहीं होता तो आपको नौकरी होता तो आपका भी जीवन सफल होता और लाइन पे भी जो है उनका भी जीवन सफल होता। क्या मैं गलत बोले? नहीं नहीं, सही बात है, सही बोले। तो उतना आप प्यार मोहब्बत सब करते हैं भाई, उतना जान नहीं दे देना है कि आपको
बाद में नुकसान हो जाए। नुकसान हो गया ना आपसे, ये चीज गलत है कि हमसे ये चीज हो गया, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से दिक्कत आगे चलता है, क्या करना चाहिए, बंदे को बहुत दिक्कत होता है, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप डिफेंस में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले शारीरिक फिटनेस होना चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन मतलब भाई आप मेडिकल फिट है, कंग्रेचुलेशन भाई। अच्छा आपको थोड़ा सा दुख हो रहा है गर्लफ्रेंड को, क्या कीजिएगा आप, जो हो गया कैसे हो गया था, मतलब दोनों में दुश्मनी हो गया था क्या? ये भी भाई फिट है, दुश्मनी कुछ ऐसा बात के लेकर हो गया था। अच्छा क्या जो भी भाई ऐसा है कुछ अपना पर्सनल अच्छा, बात के लिए। जो भी भाई मेडिकल फिट है, घर के बगल वगल में किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करना है और डिसिप्लिन के साथ रहना है और कहीं भी लफड़ा फड़ा आपको नहीं करना है, पड्डार से नहीं करना है। नहीं तो केस होगा, बताया सर कि आप अनफिट हो सकते हैं, बाद में कंप्लेन एक रिपोर्ट आ गई हमारे तारापुर हेडक्वार्टर में, आपको अनफिट कर दिया जाएगा। डिस्पैच में आपको सही आ रहा है, डिस्पैच में आपका मतलब फाइनल मेडिकल का रिजल्ट नहीं बनेगा सर, बोले हैं यही। नाम है भाई आपका? अभिषेक कुमार सिंह, गोपालगंज जिले से हम। भाई अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये वर्ड जो बोले हैं मैं बहुत दिन बताता हूँ, लेकिन मेरे बातों का फॉलो नहीं करते भाई, लेकिन अभिषेक जी का बात को फॉलो करें। बहुत अच्छे वर्ड बोले हैं कि मेडिकल जो फिट है भाई वो अगल बगल में, और बाइक भी ना चला, बाइक भी ना चला। कहा हमारे जो यहाँ पे उसका पूरा फट गया था, सर्जरी करवाया है उसका, अनफिट है वो। सर बोले हैं कि सब सेफ्टी में आपको रहना है और आपके घर के अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में कहीं भी झगड़ा वगैरह नहीं करना है, तो हमारे हेडक्वार्टर में एक भी अगर केस आ गया, तो आपका फाइनल मेरिट नहीं बनेगा, डिस्पैच की बात भी अनफिट कर देंगे, अनफिट कर देंगे, अनफिट हो जाएगा। तो भाई बहुत अच्छा वर्ड बोला, इनके बातों का फॉलो करें, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। और आप फिट है, तैयारी कैसे किए थे? तैयारी ग्राउंड से ही, एसएमडी कॉलेज है हम लोग के जलालपुर में, वहीं से किया। जलालपुर में, जलालपुर में भाई, जलालपुर में गए थे, जानते हैं। ओके और सब बढ़िया, सब बढ़िया। कितना आज रेशियो क्या था फिट होने? फिट यही लमसम 85 मतलब 100 के अंदर ही सब लोग थे लोग। अच्छा 100 कितना, 175 में? नहीं नहीं 272 में, कुछ एक दो इधर उधर, 85 फिट। अच्छा वो ज्यादातर जो री मेडिकल मिला ना, तो क्या चीज में ज्यादा? रे मेडिकल में अधिकतर लोग मतलब आईएस जो है कलर विजन में है, नोकनी है और फिर से शोल्डर है जो यहाँ पे जो उंगली उंगली हो गया। लवेरिया के चक्कर में कितने? अधिकतर उसमें लवेरिया के चक्कर में मतलब 2-3 बाई देवे और टैटू वाले भी है कुछ। अच्छा जिनकी टैटू था ना वो टैटू रिमूव कर दिया तो उसे भी पॉइंट मिलता है? सर्टिफिकेट वो बनता है, उसका सर्टिफिकेट आप कोर्ट सबमिट करवा के आपको आना पड़ेगा पहले, और रिमूव करवा रहे हैं तो सर्जरी नहीं करवाना, आपको लेजर नहीं करवाना, सर्जरी करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, सर बोले लेजर उसका अपडेट करवाना पड़ेगा आपको कोर्ट से पहले, तब आना पड़ेगा आपको। अच्छा उसके लिए और नहीं करेंगे हो जाएगा फिट, हो जाएगा फिट नहीं। उसके बाद फिर कलर विजन में कितना दूर से पढ़वा रहे हैं वो? लमसम आपको 15 वो तो आंख जांच 12-15 मीटर के, नहीं वो आंख जांच करवा रहा होगा, कलर विजन है जो एक नहीं कलर विजन पासी से हो रहा है, रास्ता उस्ता ऐसे छह कितना पढ़वाता है फिर? मतलब 5-6 पढ़वाता है बस, बस वही, उससे ज्यादा नहीं। और जो ब्लैंक है उसको कुछ बोलना नहीं है आपको, जो 6-12-42-98-97 आपको बस बोलना है, वो 2-3 वर्ड बोलवा रहे हैं उसके बाद फिट है आप। ओके भाई साहब बहुत बहुत विजन में है जो पढ़वा रहे हैं वर्ड सामने आपके, वो जब आंख बंद कर आपको आंख बंद नहीं करना, आंख उसमें खुली रखना है, क्योंकि तुरंत जब हटवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको हुतला लोकेगा तो आपको उसमें थोड़ा अनफिट कर दे रहा है, कुछ देर बाद फिर सबको नंबर आ रहा है, तब उसको यही बता रहे जो आगे आने बंदे आने चाहते हैं, वो जब आपको कलर विजन यहाँ पे करवा रहे हैं, जब पढ़वा रहे हैं तो आपको इसमें आँख खुली रहना चाहिए, क्योंकि जब दोबारा करवाए तो आँख ब्लर हो सकता है, इसीलिए नहीं समझाए फिर से बताइए। जो आँख आपको ये पट्टी यहाँ पे करवा रहे हैं ना, आपको इस आँख बंद नहीं करनी है, क्योंकि खुला रखिएगा कि तो इसके बाद ये जब ढपाएगा तो ब्लर कुछ देर तक नहीं दिखेगा ना आपका, जब आँख से खुलने के बाद थोड़ा ब्लर होगा, इसके लिए बोल रहे हैं कि आंख इसमें खुला वो क्या है, उसके बाद पढ़वा रहे हैं लो ये। अच्छा तो मतलब पढ़वा रहे हैं तो एक आंख बंद करके एक खोल के ऐसे पट्टी है एक खुला रखना है। अच्छा अच्छा भाई साहब जो पढ़वाएंगे ना तो मतलब जैसे इसको ढक दिए मेरी बात समझे तो अंदर में इसको खोल के ही रखना है नहीं? जी जी जी, एकाएक खुलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, धुंधला लगता है। हाँ पूरा धुंधला लगता है नहीं? और बाकी बात सब अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। दानापुर हेडक्वार्टर में
सब बढ़िया से डिसिप्लिन हो रही है और दलालों के चक्कर में 1% भी ना चले, सब आपके सामने हो रहा है और कुछ भी वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है। एक भी बंदे का छाटने का नाम ही नहीं ले रहा है, सब बंदे को सोच रहा है कि 2 से 3 बार मतलब आगे से 5 से 6 बार भी आपको चेक किया जाए, फिर से दानापुर हेडक्वार्टर में आपको दोबारा रिव्यू भी दिया जा रहा है कि आप वहाँ पे आए और आपको फिर से फिट होने के चांस है। अभिषेक की जी का बात 3-4 बात है बहुत अच्छे से बताएं, इनके बातों का फॉलो करें आपको लाइफ बदल सकता है, क्योंकि छोटी छोटी गलती आपको नौकरी से बाहर करवा सकता है, इनके बातों का फॉलो करें। और इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, एक बार बोलिए जय हिंद। ओके भैया थैंक यू, बाय, अच्छा लगा सबसे मिलकर। ओके भैया थैंक यू भाई साहब, थैंक यू सर।